नमस्कार दोस्तों, एके अरोदा में आपका स्वागत है। किसी तरह की बकवास के बिना आज हम आपको मेदोहर गूगल बना के दिखाएंगे, इसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे मेदोहर गूगल में कौन कौन सी औषधियाँ डाली जाती हैं। इसमें सौंठ, पीपल, काली मिर्च, चित्रक मूल, नागर मोथा, हरड़, बहेड़, आंवला, वायविडंग और शुद्ध गूगल का इसमें प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के ये 12 औषधियाँ होती हैं, इनको मिला के मेदोहर गूगल बनाया जाता है। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों मेदोहर की जो मुख्य औषधियाँ हैं उसमें है त्रिकटू में होता है सौंठ, पीपल और काली मिर्च। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह जानते होंगे। इसके अलावा चित्रक मूल यानी लाल चित्रक की जो छाल होती है, जो मूल की छाल होती है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा नागर मोथा, ये जो छोटी छोटी गठियाँ आपको दिख रही हैं वो है नागर मोथा। नागर मोथा के अलावा इसमें होता है त्रिफला। त्रिफला में आते हैं हरित की, विभित की और आमल की, यानी टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया बलेरिका और एम्बलिक ऑप्शनिस, यानी ये तीन औषधियाँ होती हैं त्रिफला की। इसके अलावा इसमें और औषधियाँ दो डाली जाती है, जिसमें वायविडंग है और शुद्ध गूगलू का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो दोस्तों हरित की आपको लेनी है, बहेड़ा आपको लेना है, आंवला आपको लेना है, यानी तीन औषधियाँ त्रिकटू की, तीन औषधियाँ त्रिफला की, इसके अलावा चित्रकमूल, वायविडंग और नागरमोथा, ये तीन औषधियाँ, नौ औषधियाँ हो गई। इसके अलावा आपको लेना है शुद्ध गूगल, जो गूगल होता है पेड़ का, उसको शुद्ध करके आपको इसमें लेना है। शुद्ध करने की विधि हमने हमारे चैनल एके आयुर्वेदा पे पहले भी डाल दिया, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक देंगे, उसको देख के आप घर पे गूगल को शुद्ध कर सकते हैं। दोस्तों ये औषधि है, बहुत ही शानदार औषधि है, खास तौर से शरीर में जमी हुई चर्बी को कम करने के लिए इसका असर होता है और ये पेट में जो चर्बी होती है, एक्स्ट्रा चर्बी होती है, उसको ठीक करती है। अब इसको बनाने के लिए हमें औषधि चाहिए, देखिए त्रिफला और त्रिकटू, इनको 10-10 ग्राम, यानी जो नौ औषधियाँ हैं इन सभी नौ औषधियों को आपको 10-10 ग्राम लेना है, यानी चित्र की छाल, वायविडंग, नागरमोथा। अब इन सभी औषधियों की आधी औषधि, मतलब इन सभी औषधियों के बराबर औषधि आपको लेने शुद्ध गूगलो, यानी अगर 50% आपकी औषधि में ये नौ औषधियाँ होंगी तो 50% आपका शुद्ध गूगलो होगा। कुल मिला के देख लीजिए कि एक एक तोला सारी औषधियाँ अगर आप नौ औषधियाँ लेते हैं तो फिर आपको 9 तोला शुद्ध गूगल लेना होता है, यानी 50% इसमें शुद्ध गूगल होता है। अब इसको करना क्या है कि इसको एक खरल में डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए दोस्तों, कूट पीस के बारीक पाउडर बना लें, कपड़ छान पाउडर करके और फिर उनका तोल करें। एक एक तोला आप 10-10 ग्राम का ले सकते हैं, तो उसी अनुपात में सारी औषधियाँ लेनी है। तो 10-10 ग्राम सारी औषधियों का तोल लें, उसके बाद इसे एक खरल में डाल लें। खरल में डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। उसके बाद इसके अंदर जो आपका गूगलू है यानी शुद्ध गूगल है, उसको डालना होता है। दोस्तों ये बहुत ही शानदार औषधि है, मोटापा कम करने के लिए बहुत ही असरकारक है। इसके अंदर तो ज़्यादा औषधियाँ नहीं हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से आपका मोटापा कम करता है, आपको शरीर में कमजोरी नहीं लाता है। और सबसे बड़ी बात, इसको मोटापा करने के लिए जो कम करने के लिए जो सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उनका जरूर परहेज रखेंगे तभी ये औषधि काम करेगी, वरना इस औषधि के भरोसे आप सोचते हो कि पतले हो जाओगे तो नहीं होंगे। तो देखिए अब इसको मिलाना कैसे है, इसमें जो गूगल है वो मिला देंगे। गूगल मिलाने के बाद इस औषधि में आपको अरंड स्नेहा, जो कैस्ट्रोल बोलते हैं, या अरंडी का तेल जिसको बोलते हैं, वो डालना होता है। उसकी जो मात्रा है वो है आवश्यकता अनुसार, लेकिन लगभग आपको जितना आप गूगल ले रहे हैं, यानी 90 ग्राम गूगल ले रहे हैं, 10-10 ग्राम सभी औषधियाँ ले रहे हैं, तो आपको लगभग 40-45 ग्राम अरंड स्नेहा की आवश्यकता होगी। इतना अरंड स्नेहा डालने से आपका एकदम अच्छे से और बहुत ही शानदार औषधियाँ बनेंगी, जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब दोस्तों सावधानियाँ क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि सबसे पहले तो आपने चिकित्सक की या वैद्य जी की सलाह लीजिए कि कौन सी औषधि आपके लिए बेहतरीन रहेगी। वो अगर आपको मेदोहर गूगल सलाह देते हैं तो आप मेदोहर गूगल को प्रयोग कीजिए। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि आपको पानी का खूब प्रयोग करना है, पूरे दिन में पानी का जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रयोग आपको करना है। और भोजन के अंदर आपको सलाद, खास तौर से भोजन के अंदर आपको सलाद खाने से पहले खाना है, यानी जितना आपका वजन है उसका लगभग 5 ग्राम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उतना जो सलाद है, ग्रीन सलाद ले सकते हैं आप, फल फ्रूट ले सकते हैं, उतना आप खाइए, आप उतना सुबह शाम दोनों टाइम खाइए,
यानी अगर आपका 80 किलो वजन है तो लगभग 400 ग्राम सलाद सुबह और 400 ग्राम सलाद आप शाम को खाने से पहले, या फिर जितनी बार आप खाना खाना चाहते हैं 400 ग्राम सलाद खाने के बाद ही खाना खाना है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये औषधि बिल्कुल काम करती है, 100% काम करती है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको शुगर की समस्या है तो दोस्तों ये जो औषधि है वो नेचुरल रूप से शुगर कम करती है। अगर आपको पहले से शुगर कम रह रही है तो आप अपने शुगर को ज़रूर चेक कराते रहें और उसके बाद ये दवाई लें। दोस्तों छोटे बच्चों को ये दवाई बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर 13 साल से कम बच्चा कोई मोटापा है तो वो मोटापा नहीं होता, बच्चा उम्र के साथ पतला हो जाता है, उनको खान पीन में थोड़ा परहेज रखें। 13 साल से कम उम्र के बच्चों को ये औषधि बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और अगर आप अल्कोहलिक हैं या आप शराब सेवन करते हैं तो दोस्तों अगर आपको मोटापा कम करना है तो शराब को छोड़कर इस औषधि का सेवन करना चाहिए। इस औषधि के साथ आपको शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि ये औषधि लेने से पूरी तरह आपका वज़न कम हो जाएगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको इस औषधि के साथ वज़न कम करना है तो इस बातों का ध्यान रखना है कि आपको सलाद खाना है जिस तरीके से मैंने बताया उस तरह से खाना है, और खान पीन में जंक फूड को बिल्कुल इस्तेमाल न करें। बाहर के खाने को, तली भुनी चीज़ों को जो तेल की बनी होती हैं, घी की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको पूरी तरह यानी लगभग बंद करके देखें और उसके बाद इस औषधि का सेवन करें। 100% ये कारगर है और बहुत ही अच्छी है। दोस्तों आयुर्वेदिक औषधियों के साथ यही होता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये काम नहीं करती। वो काम इसलिए नहीं करती क्योंकि आप परहेज नहीं रख पाते। तो दोस्तों मैंने खासतौर से इस औषधि के साथ ये परहेज बताया, वरना मैं ज़्यादातर औषधियों में परहेज नहीं बताता हूँ, लेकिन इस औषधि के लिए आपको ये परहेज रखनी होगी वरना ये औषधि बिल्कुल काम नहीं करेगी। अब रही बात बाज़ार में जो गूगल आते हैं तो आपने देखा होगा कि उनमें जो गूगल की मात्रा वो मात्र 10% रखते हैं, जबकि शास्त्रों में गूगल की मात्रा 50% रखी है। तो इसीलिए हमने आपको पूरा शास्त्र तरीके से बना के बताया है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब आपको बताता हूँ मेदो और गूगल के होने वाले फायदे। दोस्तों ये औषधि आपके पाचन तंत्र को सही करती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आजकल की लाइफस्टाइल है या खान पीन है उससे लोगों का पाचन तंत्र खराब हो गया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ही खराब हो गया, तो ये औषधि उसको सही करेगी। उसका सही होने की वजह से आपकी चर्बी अपने आप कटने लग जाएगी और आपके शरीर से मोटापा धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करेगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको भी ये नियंत्रित करेगी। ये फायदे आपको ज़रूर होंगे। तो दोस्तों अब देखिए हमने गूगल तैयार कर रहे हैं, मेदोहर गूगल, तो इसमें हमने जितना इसको कूट सकते हैं उतना कूटिए। जितना आप इसको कूटेंगे, खरल में डाल के मूसल उंगली से भी कूट सकते हैं या फिर आप इमाम जस्ते में डाल के भी कूट सकते हैं, अच्छे से कूटिए। जितना अच्छा इसको कूटेंगे उतना ही अच्छा मिस्क होगा, उतना ही अच्छी तरह से आपकी जो गोलियां हैं वो बनेंगी और इसका जो लुआब है वो उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ मेदोहर गूगल, और बहुत ही शानदार औषधि है दोस्तों, और बनाना भी बहुत आसान है। हालांकि थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप इसको घर पर बना के भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आप अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, वो किसी भी रूप में आप कर लें। बिना मेहनत के आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते, ये मेरा नॉर्मल सा कहना है। तो दोस्तों ये देखिए मेदोहर गूगल, और अब इसको आपको बनाना कैसे है इसको देखिए। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ये क्या होते हैं जो चूर्ण है वो अच्छे से मिल नहीं पाएंगे, अगर या फिर जो गूगल सूख जाता है वो भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए आपको इसकी कुटाई बहुत अच्छे से करनी है। इसके अच्छे से कुटाई करेंगे तो सारा एक जान हो जाएगा, और जब सारा एक जान हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी जो गोलियां बनेंगी वो भी शानदार बनेंगी। आपको मैं आगे गोलियां बना के दिखाऊंगा, उन गोलियों की फिनिशिंग आप देखेंगे तो आपको सच में यकीन होगा कि हाँ कुटाई करने से ही गोलियां सही बनती हैं। तो अच्छे से इसको कुटाई करें और सात्विक मन रख के कोई भी औषधि बनाएं तो उसमें आपका जो मन की स्थिति होती है वो बिल्कुल सात्विक होनी चाहिए। आपके मन में किसी तरह की कोई भी तरह की दुर्भावना या तामसिक विचार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपका मन अगर अच्छा होगा तो जो औषधि निर्माण आप कर रहे हैं उस औषधि निर्माण से बिल्कुल फायदा होगा। अब आपको बताता हूँ इस 2 लीटर का सेवन कैसे करना है। नॉर्मली दोस्तों 1 से 2 गोली आप सुबह शाम दोनों समय गर्म पानी के साथ इसका सेवन कीजिए, और कम से कम 3 महीने तक आप लगातार इसका सेवन करेंगे तभी आप रिजल्ट की आशा रखें। आप ये सोचते हैं 10-15 दिन में इसके फायदे मिलने लग जाएंगे तो वो ऐसा नहीं होता। कम से कम 2 से 3 महीने आप इसको सेवन करें, उसके बाद इसके फायदे दिखने लग जाएंगे। इसके साथ साथ आप आयुर्वेद की जो अन्य औषधियाँ हैं वो भी वैद्य की सलाह से, जैसे आरोग्यवर्धनी बत्ती है या कई तरह की जो सोत कम करने वाली औषधियाँ जैसे सोथाई लो है या फिर कोई अन्य औषधियाँ जो भी आयुर्वेद वैद्य आपके प्रकृति के अनुसार सुझाएं, वो आप इसके साथ सेवन भी करें ताकि आपको फ़ायदा हो।
और दोस्तों अगर आपको ये जड़ी बूटियाँ नहीं मिल पाती हैं तो आप akayurveda.com पे जाके ये जड़ी बूटियाँ भी बहुत ही सस्ती और अच्छी क्वालिटी मंगा सकते हैं, जिससे आप ये औषधियाँ घर पे बना के प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो मेदोहर गूगल है वो तैयार हो गई है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और ये देखिए मेदोहर गूगल, जिसको प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।